नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली भारत के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर अलग अलग जगहों से, अलग अलग मीडिया से, अलग अलग न्यूज चैनल से, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हिट जॉब्स की जा रही हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ ही में भारत को डिमीन करने की, नीचा दिखाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है। भारत को एक फेल होता हुआ स्टेट दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत हम सभी को पता है कि रियलिटी इससे बिल्कुल विपरीत। इसी पूरी श्रृंखला में एक और नया आर्टिकल पब्लिश हो गया है और इस बार हुआ है वो नेपाल से, द काठमांडू पोस्ट में। आर्टिकल का टाइटल है ब्रेसिंग फॉर मोदी थर्ड टर्म। इसको लिखा गया है सीके लाल के द्वारा, जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल कॉलमिस्ट है और ये बार बार इसी प्रकार की हिट जॉब्स करते रहते हैं, खास करके भारत के अगेंस्ट। तो उसी के चलते उन्होंने ये भी पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है 7 मई को। तो उसमें उन्होंने जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो हमने आगे भी कई सारे न्यूज़पेपर्स में और सर्वेज में भी देखी हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जिसमें मोदी एक ऑटोक्रेट है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बिजनेसमैन को ज्यादा प्रमोट करती है, वो अल्ट्रा रिच की सरकार। ये उसी प्रकार का नैरेटिव है जिस प्रकार का नैरेटिव हमारी अपोजिशन पार्टीज टाइम टू टाइम करती रहती हैं, और उसी के साथ अंबानी, अदानी, टीसीएस और उन जैसे जो बिजनेसमैन हैं भारत के, जो लोग भारत में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, भारत की इकोनॉमी को ऊपर ले जाते हैं, उन लोगों के ऊपर वो लोग हमला करते रहते हैं। तो उसी प्रकार का हमला यहाँ पर भी किया गया है और साथ ही में कई सारी और भी बातें की गई हैं, जिनमें से कुछ बातों को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है वो हम और आप जैसे आम लोगों को समझने के लिए है, क्योंकि जब ऐसे कोई भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो उस समय उसको इस तरह से क्राफ्ट किया जाता है, इस तरह से डेकोरेट किया जाता है शब्दों का एक माया जाल बनाकर, जिसमें कोई भी आम इंसान जो अपने पास टाइम में इन खबरों को पढ़ता है सिर्फ अपडेटेड रहने के लिए, वो फंस सकता है। तो उसी के लिए कुछ तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे इसी आर्टिकल में दी गई बातों को संदर्भ में लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की करंट जो सरकार है उसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा गया है। अब सबसे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट वो होती है जिसको चुना जाता है, और वो भी डेमोक्रेसी में चुना जाता है देश जनता के द्वारा। तो ये लोग ये बात तो स्वीकार ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं। साथ ही में जो दूसरा वर्ड यूज किया गया है ऑटोक्रेसी, उसका मीनिंग होता है कि ऐसा रूलर, ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। अब अगर विकिपीडिया की डेफिनेशन देखी जाए तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की जो गवर्नेंस है वो डिक्टेटरशिप और मोनार्की के साथ मैच करती है, और वो डेमोक्रेसी से एकदम ही विपरीत है। तो विकिपीडिया खुद कहता है कि जो भी डेमोक्रेसी है उसमें ऑटोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी से कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभास। तो उसी के चलते ये जो दो शब्द यूज करते हैं बार बार, भारत की गवर्नेंस को लेकर जो कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, वो अपने आप में पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है और उस कोई भी मतलब नहीं बनता है, कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही चीजें, दोनों ही वर्ड और उनके मीनिंग एकदम अपोजिट। तो अब से अगर आप इस फ्रेज को सुने कहीं पर या फिर पढ़े तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी बात पर आते हैं कि भारत के अपोजिशन द्वारा, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी ये लिखा गया है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो अल्ट्रा रिच लोगों की सरकार है, वो सूट-बूट की सरकार है, जैसा अपोजिशन पार्टीज कहती हैं। अब अगर बात करें एक सिंपल एग्जांपल को लेकर, वॉशिंग मशीन। तो जब कभी भी हम वॉशिंग मशीन या एसी या रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन खरीदने जाते हैं तो हम ये चीज जरूर चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, रिलायबल है, जो भले ही पैसे थोड़े बहुत प्लस माइनस क्यों ना, वो अच्छे से काम करेगी और हमको बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो इसी प्रकार से जो भी कंट्रीज या जो भी कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का प्लान करती हैं, तो वो लोग ये पहले ढूंढते हैं कि उस देश में जिसमें हाल में भारत है उसमें ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो रिलायबल हैं,
ट्रस्टवर्दी हैं, जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है और वो डाइवर्सिफाइड भी है। तो ऐसी कंपनीज में वो लोग पहले प्रिफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, जिसके चलते हाल में भारत में 61 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट FDI के थ्रू यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है। इसी उदाहरण पर चलते हुए, जब किसी भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें हाल में भारत के जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव है PM नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं पर भी जाते हैं तो वे हमेशा भारत के जो बेस्ट बिजनेसमैन है उनको प्रमोट करते हैं, ताकि उनके साथ डील करके बाहर की कंट्रीज में से पैसा ज्यादा से ज्यादा भारत में लाया जा सके, जिससे भारत में और भी जॉब्स ओपन हो सके और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सके और साथ ही में भारत की जो इकोनॉमी है वो और भी बड़ी हो सके। अगर कोई कंपनी रिलायबल नहीं है तो उससे उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज का ही पैसा नहीं डूबता, बल्कि वो डूबने वाली कंपनी जिस कंट्री में भी है उस कंट्री की इमेज डाउन होती है। तो इसी के चलते किसी भी देश की गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की हो, फ्रांस की हो, US की हो, रशिया की हो या किसी भी देश की हो, वे लोग हमेशा अपने कंट्री के टॉप बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं और बाहर के देशों में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और खास करके जब इन्वेस्टर से मिलते हैं तब। तो हम भारत सरकार के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, इन पर्टिकुलर स्टेप्स को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन स्टेप्स भारत में दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा FDI इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उससे भारत में नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, साथ ही में भारत में नई नई जॉब्स के लिए भी मार्केट ओपन हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा प्लान है, पूरी स्ट्रेटेजी है, वो आम इंसान को भी उसी हद तक असर करती है जिस हद वो किसी भी कंट्री की इमेज को असर करती है। तो ये जो पर्टिकुलर बात है किसी भी कंट्री के बिजनेसमैन को प्रमोट करने, वो इनफैक्ट अच्छी है ना कि बुरी, जिस तरह से इसको सालों से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ उस कंपनी को या सिर्फ उस रिप्रेजेंटेटिव को ही नहीं, बल्कि हम और आप जैसे आम लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद उसने जो बात कही CK लाल ने, यानी कि चंद्रकिशोर लाल ने, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में कही कि वो काफी ही अग्रेसिव है। तो हम ये बात चाहते हैं, भारत के सभी नागरिक ये बात चाहते हैं कि हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो वो अग्रेसिव हो, वो भारत की साइड लेकर जब भी जरूरत पड़े स्ट्रांगली और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखे दुनिया के सामने, ताकि दुनिया को भी ये स्पष्ट हो कि भारत ना ही उनका प्लेग्राउंड है और ना ही उनकी कठपुतली है। तो उसी के चलते डॉक्टर एस जयशंकर का भी जो स्टांस है और जो एटीट्यूड है और जिस तरह से वो हाल में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से भारत की ओर एक स्ट्रॉन्ग और साथ ही में प्रोफेशनल व्यक्ति भारत को रिप्रेजेंट करे। इसके बाद सीके लाल ने यह भी कहा कि साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज हैं उसके साथ भारत के रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। तो अगर बात करें साउथ एशिया की कंट्रीज के बारे में तो उसमें एक आ जाता है पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ऐसी कई सारी कंट्रीज। तो इनमें से पाकिस्तान को छोड़ ज्यादातर कंट्रीज के साथ भारत के रिश्ते या तो बैलेंस्ड हैं या फिर बेहतर हो रहे हैं। हाल में जो इश्यूज चल रहे हैं भारत के नेबरहुड में वो चल रहे हैं मालदीव्स के साथ और कुछ हद तक नेपाल और बांग्लादेश के, जहां पर ये तीनों ही कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, जिस तरह से कुछ समय पहले श्रीलंका में हुआ करता। उसी के चलते चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से उन लोगों का भारत की तरफ जो एटीट्यूड है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना की ओर जितना भी वो लोग इंक्लाइन करते जाएंगे, जितना भी वो लोग झुकते जाएंगे, उतना ही चाइना उनको झुकाएगा और अपनी डेट में फंसाते जाएगा और अल्टीमेटली जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ किया है उन कंट्रीज के भी जगहों पर अपना कब्जा जमा लेगा। मालदीव्स में ये इंसिडेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो मालदीव्स की हाल की गवर्नमेंट चाइना द्वारा रखी गई है, वहां पर बनाई गई है,
तो वो चाइना की पपेट रिजीम है, लेकिन वो कब तक टिकती है वो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। श्रीलंका चाइना की इसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते फंस गया था और बैंकरप्ट हो गया था, और अल्टीमेटली वो वापस आया है भारत के पास, और भारत फिर से अपना हाथ बढ़ाया है, जिस तरह से वो सभी कंट्रीज की अपना हाथ बढ़ाता है मदद के लिए, उसी तरह। तो आने वाले समय में संभव है कि नेपाल में भी इस प्रकार की घटना होती हुई दिखे जैसी श्रीलंका में हुई थी, और नेपाल में भी विकट परिस्थितियां खड़ी हो, जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत इन सभी चीजों के बीच में किसी भी कंट्री के डिसीजन इंटरफियर नहीं करता है, इसी वजह से भारत डिमीन किया जाता है और उसके ऊपर हिट जॉब निकाली जाती है। अगर भारत भी अपनी साइड से पैसा देना इनको शुरू करे मुफ्त का, और खास करके करप्ट लीडर्स की जेबें भरना शुरू करे, तो भारत के लिए भी ये लोग पॉजिटिव चीजें बोलना शुरू कर देंगे, जिस तरह से ये जो चाइना का पपेट है सीके लाल, वो हाल में चाइना की तरफ झुक रहा है। उसके आर्टिकल में अगर आप देखेंगे, कई सारे आर्टिकल्स हमने रिसर्च किए, उसने जो लिखे थे, साथ ही में उसने कांतिपुर टीवी पर जो अपने इंटरव्यू दिए थे उसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया, और अल्टीमेटली ये पता चला कि इसको चाइना की ओर से अनडाउटेडली पैसे मिले हैं या फिर बेनिफिट्स मिले हैं वन और दी अदर वे, जिसके चलते इसका रुख चाइना की तरफ और भी झुकता जा रहा है, और भारत के लिए ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीजें बोलता और लिखता जा रहा है। तो उसी के चलते ये जो पूरा हिट जॉब चलाया जा रहा है, उसके लिए हमने थंबनेल में ये कहा है कि इट इज अ चाइनीज हिट जॉब ऑन इंडिया वाया नेपाल। तो इसी प्रकार से भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कई सारे हिट जॉब्स पिछले काफी लंबे समय से वेस्टर्न मीडिया में से और चाइना के जो पपेट्स हैं और उनकी जो कठपुतलियां हैं उनकी तरफ से आते रहते हैं, लेकिन हकीकत पर्दे के पीछे कुछ और ही होती है, जिसकी तरफ आम इंसान का ध्यान नहीं जा सकता। तो उसी के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भारत की हाल में जो कंडीशन है, हाल में जो भारत का स्टैंड है, इंटरनल जो ग्रोथ है और साथ ही में इंटरनेशनल स्टेज पर जो ग्रोथ है और जो पोजीशन है, जो रिस्पेक्ट है भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री, वो काफी ही हाई है, जिसके चलते फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और इसके जैसी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत के रिश्ते दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। साथ ही में रशिया के साथ भी रिश्ते काफी ही अच्छे हैं, जिसके चलते पुतिन ने खुद ये कहा था कि भारत के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि भारत जो बोलता है वही करता है। उसने इनडायरेक्टली चाइना की ओर स्पीच देते हुए ये बात कही थी, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चाइना के ऊपर पुतिन भरोसा नहीं कर सकता है जितना भरोसा वो भारत के ऊपर और पीएम मोदी के ऊपर हाल में कर रहे हैं। और उसी तरह से सऊदी अरब, यूएई और अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत के लिए हाई रिगार्ड रखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए हाई रिगार्ड रखते हैं। तो इसी प्रकार से इस सीके लाल जैसे जो चिल्लर लोग हैं, जो मुंह में पैसा ठूस कर जो उसका मालिक है, वो जो भी कहेगा वो लिखेगा या बोलेगा, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखें, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जैसे कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जो अगर आपको देखने को या सुनने को मिले तो तुरंत ही समझ जाए कि वो एक हिट जॉब है और वो एक प्रोपोगेंडा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसे न्यूज, ऐसी खबरों से दूर रहें, और अगर आपको ऐसी कोई खबर मिलती है, अगर आप कंफ्यूज हैं, वेरिफिकेशन चाहते हैं और उसके ऊपर और डिटेल्स चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर हम रेगुलर बेसिस पर देश और दुनिया की कई सारी खबरें आप लोगों के साथ उस चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं, कई सारे वीडियोज और फोटोज उस चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर पाते। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कई अन्य लिंक्स दी गई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। आपको यह खबर कैसी लगी और इस हिट जॉब के बारे में आपका क्या कहना है, भारत की हाल की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और क्या आपने वोट दिया है या नहीं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमने अपना कर्तव्य निभाया है, आपने अपना कर्तव्य निभाया है या नहीं, ये हमारे साथ जरूर साझा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर मानव।